संसद के द्वारा एक संदेश देना चाहते थे कि अब नई संसद बन गई है और यहाँ पे नई परंपराएं चलेंगी, अब संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, अब इसी तरह की जो अभद्र भाषा है उसका इस्तेमाल होगा, गुंडे मवाली संसद में रहेंगे और शरीफ आदमी के लिए संसद में अब कोई जगह नहीं रहेगी। आप एक आंकड़ा उठा के देख लो, बीजेपी के जितने भी सांसद हैं अभी उसमें से 44% सांसद ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और दूसरी बात, जो बीजेपी परिवारवाद करती है, तो न्यूज नेशन के एक पत्रकार ने सर्वे किया है कि 90% इस समय बीजेपी के जो विधायक हैं और सांसद हैं वो परिवारवाद की ही देन है, और कांग्रेस का उसमें सिर्फ और सिर्फ 25% है, जो ये विपक्ष को एकदम से घेरने के लिए कहते हैं ना कि विपक्ष की जो इंडिया गठबंधन की जो दल है वो परिवारवाद चला रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि साहब जो परिवारवाद है वो भी बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है, और जितने गुंडे बदमाश हैं वो भी सारे बीजेपी में हैं। विद्रोही को इतनी नफरत कहाँ से लाए वो? ये तो उनका जो संघ की पाठशाला चलती है, जो RSS की ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ ये चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। रमेश विद्रोही को? बिल्कुल, रमेश विद्रोही लगभग 40 साल से RSS से जुड़े हुए हैं, और वो कोई ऐसा नहीं कि नए नवेले सांसद हों, वो उससे पहले 3 बार विधायक रहे हैं और ये दूसरी बार सांसद बने हैं। तो 25 साल का तो उनका राजनीतिक कैरियर है, इससे पहले 15 साल उन्होंने RSS में दरी बिछाई है। तो 40 साल के लगभग जो व्यक्ति एक ऐसे परिवेश में रहा है कि जहां इसी तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं, और इसमें एक मज़े की बात देखो कि जो भी गाली गलौज करवाई जा रही बीजेपी द्वारा, तो उसमें गाली गलौज करने वाला नेता, विधायक और सांसद ज़्यादातर आपको जो है वो पिछड़ी जाति से या दलित मिलेगा। ये दरअसल जो हमारे देश के बहुजन हैं उनको हिंदुत्व की आड़ में उनको मूल मुद्दे से भटका रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले परवेश वर्मा थे, ठीक है, उससे पहले भी कई इस तरह के आए, और वो भी सब OBC क्लास के ही मिलेंगे। सोचने की बात है, इस पर देखिए गंभीर विषय है। नहीं, बिल्कुल, बड़ी लड़ाई लड़ने पिछड़ों बहुजनों की, इसे निश्चित तौर पे ये गंभीर विषय है। और हम तो बराबर शुरू से कह रहे हैं कि जब से मोदी जी जो है देश में की सत्ता ली है मोदी जी ने, तो देश में एक नफरत के नाम पर, चाहे वो धर्म के नाम पर नफरत हो, चाहे वो जाति के नाम पर नफरत हो, चाहे वो संप्रदाय के नाम पर नफरत हो, उसका एक केरोसिन छिड़क दिया है, मिट्टी का तेल एक छिड़क दिया। समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने अधिकारों को लिए। समझ रहे हैं धीरे धीरे। अभी क्या है, वो चोला जो एक वो हिंदुत्व का जो चोला ओढ़ रखा है, तो उस चोले को हटने में थोड़ा सा और समय लगेगा। कि जो हमारा युवा है वो इस समय WhatsApp ज़्यादा देखता है। हमारा युवा ना तो पेरियार साहब को पढ़ रहा, ना ललन सिंह को पढ़ रहा, ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़ रहा, ना लोहिया जी का समाजवाद पढ़ रहा, ना मंडल साहब का जो है आप पिछड़ी जाति के लिए जो मंडल साहब ने संघर्ष किया उसको पढ़ रहा, ना मान्यवर कांसीराम जी को पढ़ रहा है। समस्या तो यही है कि जो देश का हमारा जो युवा है, आपको लगता है पिछड़े सुधर पाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम तो ये कह रहे हैं कि जो सच है, सच को तपने में और अपने आप को सच को स्थापित करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। अब एक झूठ का और पर्दाफाश हुआ है बीजेपी का, जो बीजेपी राम नाम पे वोट लेती है, तो कल जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई मध्य प्रदेश की, उसमें एक ऐसा कैंडिडेट इन्होंने दे दिया जिन्होंने रामायण को जलाया, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं और जो अपने आप को हिंदू नहीं मानती, ठीक है, उनके पिता ने हमेशा बीजेपी का और हिंदुत्व का विरोध किया, उनको बीजेपी कल ज्वाइन कराई गई और कल बकायदा उनका नाम उस लिस्ट में है, देख लो ना 38 की जो लिस्ट थी ना उसमें एक नाम उनका जोड़ा गया है। अब इस पे बताए बीजेपी के लोग कि जो सरासर भगवान राम को गाली दे रहे हो और रामायण को जला रहे हो, ऐसे लोगों को आप विधायकी का टिकट दे रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय तो नाराज थे, उनका तो बयान भी आ रहा है कि साहब मुझे टिकट दे दिया, मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहा। तो इस तरीके की माहौल इस समय इस देश में ऐसा हो रखा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो वहाँ बहुजन आबादी ज़्यादा है, सिर्फ OBC की हम बात करें तो 55% OBC है, और जो OBC चेहरे पे इन्होंने 18 साल सत्ता रखी, शिवराज सिंह चौहान, कल उनका विदाई संदेश भी आ गया, इनडायरेक्टली उनको विदाई का रास्ता दे दिया गया, इसी वजह से उनसे बोला गया कि साहब आप एक संदेश दे दो, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी काट में ये कुलिस्ते को लेके आए हैं।
क्योंकि वो दलित चेहरा है और शायद उनको जल्दी घोषणा होगी, क्योंकि इनका ये रहता है ना, ये मुख्यमंत्री बदल दो, कहीं विधायक बदल दो, कहीं मंत्री बदल दो, तो उससे क्या है कि इनके दाग जो है वो दाग छुप जाएंगे। लेकिन ये लोग एक चीज़ भूल चुके हैं कि जनता एक बार मौका देती है, जनता दो बार मौका देती है, जनता बार बार मौका नहीं देती है। इस तरीके के जो लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को इस तरह की गाली दे रहे हैं, जो लोग दलितों के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं, दलित अगर पानी पी ले तो उसको मार देते हैं, इस तरीके की तो कई घटनाएं, अभी तो एक जौनपुर की घटना आई है, वहां पे एक जो आरएसएस का शिक्षक जब संसद में नहीं बच रहे तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि एक आरएसएस का शिक्षक है, वो दलित बच्चे को जो है स्कूल में नहीं घुसने दे रहा, वो ये कह रहा है कि तू चमार है और तू ये है और तू वो है, तू स्कूल के बाहर भाग। इस तरह का जो एक माहौल बनाया जा रहा है देश में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो देश है, जो तरक्की की राह पे चल रहा था, जो संविधान को समझ के आगे बढ़ रहा था, जो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था, तो बीजेपी ने उस रास्ते को भटका दिया है। बीजेपी ने एससी एसटी ओबीसी के जो हमारे बहुजन बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दिया है और उनको जो है नफरत की आग की तरफ लेके जा रहे हैं। गुर्जर यादव अपने आप को पिछड़ा नहीं मानता क्या? ये तो नहीं, ये तो गलत फहमी है। ये हमारे जो जाट समुदाय के लोग हैं, गुर्जर समुदाय के लोग हैं, और काफ़ी हद तक अगर हम यूपी बिहार को छोड़ दें तो बाकी जगह के जो यादव समाज के लोग हैं, ये उनकी गलत फहमी है। अगर वो अपने आप को पिछड़ा नहीं मानेंगे, अपने आप को हिंदू मानेंगे, तो जो उनके मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का अधिकार हो, चाहे वो देश में जितनी भी सुविधाएं हैं, मौलिक सुविधाएं, उनका अधिकार हो, उन सबसे वो वंचित रह जाएंघ। कल देख लो आप, संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट एक घोषित हुआ है जिसमें 15 रिक्त प्रोफेसर के 15 रिक्त पद थे, और उसमें से ना तो कोई दलित का पद था और ना कोई ओबीसी का, 12 पद थे सवर्णों के अनारक्षित और 2 थे ईडब्ल्यूएस कोटे से। तो आप अंदाजा लगा लो कि ये लोग शिक्षा पे अपनी मोनोपोली बनाना चाह रहे हैं। रमेश भदुड़ी महिला आरक्षण भी लाया, पिछली महिलाओं को उसमें कुछ नहीं मिला, कोटे में कोटे की मांग हो रही, उस पर तो नहीं बोले वो? नहीं, उस पर दानिश अली को गाली, उस पर देखो साहब उमा भारती जरूर बोली है, तो तारीफ करनी पड़ेगी उमा भारती की, उन्होंने मतलब खुले मन से बोला है कि साहब अगर 52% जो है ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं दिया तो मैं आंदोलन करूंगी। और हो सकता है उमा भारती जी गवर्नर की बनने की उनकी चाह हो सकता है बीजेपी इन्होंने साइड कर दिया हो, तो इस वजह से जो है डराना चाह रही हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहाँ ओबीसी का जो लोधी समुदाय से वो आती है ना, तो काफ़ी संख्या में वो लोधी समाज है। लेकिन इसमें जो आप भदुड़ी जी वाली बात कह रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल सही तौर पर ऐसा लग रहा है कि भदुड़ी तो अपनी सीट बचाने के चक्कर में है कि 2024 में उसे अपनी सीट मिल जाए, अपनी सांसदी की टिकट मिल जाए, क्योंकि कई लोगों का पत्ता साफ होने वाला है। आरएसएस के जो सर्वे आए हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर सांसदों के कार्य से जो जनता है क्षेत्र की वो असंतुष्ट है पूरी तरीके से। तो बीजेपी ने पूरा मन बना लिया है कि सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, तो इस समय जो जितना ज़्यादा नफरती बयान देगा, जो जितना ज़्यादा जहर उगलेगा मुसलमानों के खिलाफ, उसका टिकट पक्का हो जाएगा। इसी कड़ी में भदुड़ी के बयान है, और भदुड़ी ने सिर्फ मुसलमानों को ही गाली नहीं दी, भदुड़ी का तो अभी एक बयान और आया है कि दिल्ली से यूपी और बिहार के जो लोग हैं उनको भगाया जाए। अब ये बताओ साहब, दिल्ली देश की राजधानी है, अगर देश की राजधानी में देश के बाहर का व्यक्ति, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, या कहीं का भी हो, वो अगर आके नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? आप किस तरह का माहौल बना रहे हैं? और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी कनाडा के 2 टुकड़े कर रहे हैं। कल गोदी मीडिया के एक चैनल पे खबर चल रही थी कि अब मोदी जी कनाडा के 2 टुकड़े कर देंगे। मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा ही दिया मोदी जी ने, फ्रांस की आग भी शांत करा दी मोदी जी ने, लेकिन हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे चल रहा है उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। हमारे नाम पे जो मणिपुर में, हमारे देश में जो मणिपुर में हिंसा चल रही है उस पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। हमारे देश में जो दलितों पे, आदिवासियों पर, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा उस पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। मोदी जी कहाँ बोल रहे हैं? मोदी जी टारगेट कर रहे हैं खड़गे साहब को, मोदी जी टारगेट कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को,
और उसमें भी ऐसे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं जो ओबीसी या दलित समाज से आते हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारा जो दलित समाज का और ओबीसी समाज का जो युवा है वो अभी भी इस बात को नहीं समझ रहा है, अभी भी मोदी मोदी नाम की जो माला है वो जपता हुआ नज़र आ रहा है, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि एक ऐसा आदमी जो 10 साल में आपकी नौकरियाँ खा गया, 10 लाख से ज़्यादा रेलवे की नौकरी खा ली जिसने, जिसने पुलिस में कोई भर्ती नहीं निकाली, जिसमें शिक्षा जगत में प्राइमरी शिक्षा में कोई भर्ती नहीं निकाल रहा पिछले 5 साल से, जो फौज में कोई भर्ती नहीं निकाल रहा जिसमें ज़्यादातर ओबीसी और एससी समाज के बच्चे जाते हैं, तो युवाओं को एक चीज़ बेहतर तरीके से समझनी पड़ेगी कि ऐसी सरकार को उखाड़ने से ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि सरकार वो होनी चाहिए जो आपको रोज़गार दे, जो आपको सस्ती शिक्षा दे और जो आपको चिकित्सा दे।